दिल्ली के नरेला में साइड न देने पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने आई-10 सवार विजेंद्र खत्ती पर गोलियां चला दी। विजेंद्र की किस्मत अच्छी थी कि गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। विजेंद्र के कान में जख्म जरूर हो गए लेकिन उनकी जान बाल बाल बच गई। विजेंद्र के मुताबिक स्कॉर्पियो सवार युवक नशे में थे। पुलिस लड़कों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक हेड कांस्टेबल की पत्नी ने संदिग्ध हालत में पड़ोसी के मकान में जाकर खुदकुशी कर ली। 35 साल की मीनाक्षी के 3 बच्चे भी हैं। पुलिस ने मीनाक्षी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। मुंबई के पास ठाणे पुलिस ने एक चेन स्नैचर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गैंग ने 28 दिसंबर को शहर में राह चलती 8 महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र उड़ा लिए थे। पुलिस के मुताबिक गैंग में शामिल छात्र मौज मस्ती और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भी स्नैचिंग किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 5,60,000 रुपए के गहने को जब्त किया है। मुंबई के नेवी नगर में 30 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जिस युवक की लाश मिली है वो टूरिस्ट गाइड का काम करता था। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस हत्या की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस मामले में किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुंबई में बच्चों का ग्लैड रैक्स लिटिल मिस एंड मास्टर इंडिया फैशन शो का आयोजन हुआ। इस फैशन शो में मासूमों ने जलवे बिखेरे। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक्ट्रेस वीना मलिक इसमें पहुंची। वीना ने कहा कि काम की कमी नहीं है, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं।